नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस, दिल्ली में आपने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद आप आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, हम दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस है तो दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा है। हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो किया है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले भी यह कयास लगाए जाते रहे कि राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बताया गया कि दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन सकी और इसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रही। हरियाणा के नतीजों को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के नतीजों पर संजय राउत का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, कांग्रेस को गठबंधन साझेदारों को शामिल करना चाहिए था। बीजेपी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा और हारी हुई बाजी जीत ली। कश्मीर में इसलिए जीते क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो खुद ही ताकतवर हैं और जीत जाएंगे। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और तीसरी बार सत्ता बचाई, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।